गुस्से और ग्रजेस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। माफ कर देने से, भूल जाने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आलिया अभी तक ऑफिस से नहीं आई। आपने कॉल किया उसे? उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है, लेकिन इससे वो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। मैं सलमान के साथ चली जाती हूँ। श्योर, बट थैंक यू सो मच। चले, इससे ज्यादा गलत कदम कौन सा हो सकता है? रात को 11:30 बजे सलमान के साथ अस्पर के घर से आ रही है वो। बस ये जी शमू बेगम, आपको अपनी बेटी पर एतबार हो या ना हो, मुझे है। पता तो चले कि क्या उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। वो छोड़े यार, बड़ी तेज निकली है घूमने गई की। देखो तो कैसा फ्रंट कर दिया मेरे बेटे को। इसीलिए शगुफ्ता को इस घर में लाने की सोच। गुच्छन कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। सॉरी सर, वो खुद ही खुड़ा लुढ़क गई। आई एम सॉरी। अपना ड्रेसिंग टेबल 2 मिनट में साफ कीजिए और मेरे ऑफिस में आइए। हद हो गई। वैसे मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी लुढ़काई है। लिपस्टिक ना हो गई, कोई हैंड ग्रेनेड हो गया जो इतना उछल रहे हैं। और सुबह सुबह अपना बैग साफ करने के बजाय मेरा ऑफिस साफ करवा दिया करें। Your coffee mug is still lying there. जी जी, आज वो स्वीपर नहीं आया, मैं किसी और को भेज के साफ करवाती हूँ। बस बस अब बहुत हो गई, आज ही रिजाइन करूंगी, चाहे मुझे अपनी गाड़ी बेच के इनको पैसे क्यों ना देने पड़े। बड़े आए शहजादा सलीम, पता नहीं समझते क्या अपने आप को। फिर कुछ सुन लिया क्या? दरवाजे से कान लगाए खड़े रहते हैं। बॉस ना हो गए, कुछ टीवी सोफ की वैम्प हो गए। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। खड़े होके देख रही हैं तमाशे। कैन यू प्लीज गो एंड सिट, थैंक यू। शॉप हैज बिकम जान हथेली पे रख के मुशक्कत करवाई तुम लोगों ने, और उजरत में एक बर्गर का चौथाई हिस्सा। अधेर मचाई हुई है भाई। अगर मैंने जान देनी होती तो मैं अपने कमरे में छत से लटक के भी जान दे सकता था। तो क्या जायदाद लिखवाए तुम्हारे लिए? वो तो वैसे भी लिखनी पड़ेगी। सुनो, जिंदा वापस यहाँ से जाना चाहते हो या यही जान देनी है? खुदा के वास्ते यार, तुम लोग लड़ने से पहले जगह देख लिया करो, और इसके लिए एक और बर्गर मंगवाओ। उसने बाकी बहुत मेहनत की है, मेरे पास 50 रुपए हैं। इस भूखे के लिए तो 1 रुपया भी ना खर्च करूँ, होते भी ना तब भी ना मंगवाती। मेरे पास है, तुम दोनों को खिला सकता हूँ। मीरपुर खास में। मीरपुर खास में ये लो, 100 रुपए हैं मेरे पास। ये लो 100 रुपए और। ये तो हो गई मेरी मजदूरी, अब मंगाओ बर्गर। चलो ये तो कंफर्म हो गया ना कि मोना जिंदा है और उसी घर में है। अब मुझे ये बताओ आगे क्या करना है। करना क्या है? चपड़ाफी को अगवा करना है, 2 लपड़ लगाने हैं, सब उगल देगा। चल ला दूंगा खानदान। मैंने सोचा तुम्हारी मदद ही कर दूं थोड़ी सी। वो अलमारी से बर्तन निकाल दिए मैंने, तुम ऐसा करना स्प्रे मार के धो के रख देना वापस, ठीक है? ठीक है। आंटी आपसे ना एक मशवरा भी करना था। वो पहले बाथरूम ठीक करवाऊं या कमरा बनवाऊं? अल्लाह,
लॉटरी निकल आई है या फिर आगा जी को तरस आ गया अपनी बेटी पर? नहीं, वो ज्वेलरी के कुछ पैसे आए हैं और अगले ऑर्डर की एडवांस पेमेंट पे आ गई है। हेलो, हाँ सामिया। सैफ, बहुत शुक्रिया, ज्वेलरी की ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। इतनी जल्दी? हाँ, क्लाइंट्स अच्छे निकल आए। अच्छा सुने, अगर आप किसी आदमी को जानते हैं ना, उनका प्लीज नंबर मुझे भेज दें, मैंने बाथरूम में टाइल्स लगवानी है। तो अगर आप नंबर भेज देंगे, मैं उनसे एस्टिमेट ले लूंगी और फिर आंटी और मैं जाकर सामान ले आएंगे। हाँ, वो पहले जिसने बनाया था उसी का नंबर भेज देता हूँ। लेकिन सुनो, तुम अकेली काम करवा लोगी? जी करवा लूंगी, आंटी है ना मेरे साथ, आप बस नंबर भेज दें जल्दी से। अच्छा मैं भेजता हूँ, खुदा हाफ़िज़। मुझे याद कर रहे हो ना? क्या हुआ? पहले से ज्यादा प्यारी लग रही हूं मैं। हेलो शगुफ्ता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ऑफिस ना आया करो, तुम बुलाती हो तो मैं आ जाता हूं ना। जिस दिन मैं शगुफ्ता अफजल से शगुफ्ता सैफ बन जाऊंगी ना, तो कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि शादी की तारीख तय करने के लिए मैं अकेली जाऊं या तुम भी चलोगे साथ? शगुफ्ता, एक मिनट, क्या हुआ? कुछ कहने से पहले ना ये बात याद रखना कि शादी पे आके मैंने तुम्हें क्या कहा था। चंद महीनों की बात है, तुम्हारी शादी मुझसे ही हो, तो चंद महीने गुजर गए। मेरी बात तो सुनो। और कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना। शगुफ्ता, यूं ऑफिस में सीन क्यों क्रिएट कर रही? हम कहीं आराम से बैठ के बात कर सकते हैं ना? फ्लोर में जाए तुम्हारा आराम, मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूँ तुम्हारे पास से, और तुम्हें अभी भी आराम से बात करनी है? तो मुझे सीधी सीधी बताओ, इसी वक्त बताओ हाँ या ना। हाँ तो मैंने इनकार कब किया? चलो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सबके सामने बात करूंगी। तुम्हें डर किस बात का है? मैं डर नहीं रहा, लेकिन शादी के बारे में बात मैं यूं चीख चीख के तो नहीं कर सकता ना। जो इंसान सुबह सुबह ऑफिस आता है, उसका मूड भी खराब हो सकता है, उसका कोई मसला भी हो सकता है। इनको अपना ऑफिस साफ चाहिए, कॉफी वक्त पर चाहिए। सच कह रही हूँ, इंसान नहीं है। मेरे पास पहले बहुत प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व करने को। ये लिख लिया रेजिग्नेशन, अब पता चलेगा मेरी जगह इनको कोई इन्हीं जैसा रोबोट मिलेगा, कॉफी और ऑफिस की सफाई करने वाला। ऐसी तबीयत साफ करेगा ना, तब पधर आएगी इनको मेरी।
क्या छुपा रही? कुछ भी नहीं। हाथ दिखाइए। जिस काम से आप आई थी वो हो गया? बिल्कुल। और मुझे पता चला कि सिवाय अपने आप के आपको किसी की परवाह ही नहीं, ना रहीम साहब की और ना मैम सहरिश की। मैंने आपसे कुछ पर्सनल बातें क्या शेयर कर ली, आपको तो बदतमीजी करने का लाइसेंस ही मिल गया। और आपके पास लाइसेंस है मेरी लॉयल्टी को क्वेश्चन करके किसी भी वक्त मेरी इंसल्ट करने का? आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें या ना करें, आई एम लीविंग। रुक जाइए, ऑफिस से बाहर एक कदम भी मत लीजिएगा। क्या समझती हैं आप? जब आपका दिल चाहेगा धंधनाती हुई मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में आ जाएंगी, और जब आपका दिल चाहेगा चली जाएंगी। उठाइए अपना रेजिग्नेशन और जाइए अपनी जगह पे वापस। क्या चाह रही हैं आप? मैं सॉरी जैसे फसूल लफ्ज पे यकीन नहीं रखता। हाय, अपना रेजिग्नेशन एंड गेट बैक टू वर्क। उठाइए अपना रेजिग्नेशन और जाइए यहां से। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कितना आउट ऑफ द वे गई हो। हर हालात में तुमने मुझे सपोर्ट किया। मुझे तुमसे ना इन सब के बदले कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब चाहिए बस, शादी करनी है कि नहीं। शुगुफ्ता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्यों? जिस तरह तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सामना भी कर रहे हैं। ओह, तो उसके भी एहसानमंद हो गए हो तुम। मम्मी, मैं, सामिया, ऐसा क्या है तुम में कि सब तुम पर एहसानात की बरसात करने पर तुली हुई है? सामिया बहुत सादा और साबित लड़की है। उसने आज तक मुझसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। मम्मी का सलूक भी बर्दाश्त किया। उसने घर को ना सिर्फ संभाला है बल्कि बदल भी रही है। उसे बताने के लिए मुझे हिम्मत और वक्त दोनों चाहिए। एनओसी चाहिए तुम्हें उससे? काम हो गया तुम्हारा। मम्मी से बचे तो सामिया नहीं छोड़ेगी, और अगर उन दोनों से बच गए तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। प्लीज शुगुफ्ता, जहां तुमने इंतजार किया है वहां कुछ महीने और कर लूं, प्लीज। जब तुम ऐसी शक्लें बनाते हो ना, ममता से जागने लगती है। क्या याद करो, जी लफ्ती दो हफ्तों की जिंदगी। That's very good, Salman. It's very impressive. इस तो वक्त से पहले हमारी स्किन के सारे प्लॉट्स कट जाएंगे। Is everything okay? आपकी तबीयत ठीक है? Yeah, I'm okay. आले से बातचीत हुई आपकी? Busy है वो, ज़्यादा बात नहीं करते मैं। हाँ, as for काम के मामले में काफी सख्त है। रशीद साहब भी यही कहते थे, गैस्पर को अपने ऑफिस में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगा लेनी चाहिए। जी, वो घर भी देर से ही आती है,
हाँ, असर की बर्थडे के वक्त ही काफी लेट हो गया था ना? जी, घर पे भी सब बहुत परेशान हो गए थे। आले को खुद एहसास होना चाहिए कि के इतनी देर तक असर साहब के घर, पता नहीं मैम, आई डोंट नो। आर यू बीइंग पोसेसिव अबाउट हर? नो, नॉट एट ऑल। बस अगर बता के चली जाती असफर साहब की बर्थडे तो कोई परेशान नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, बता के जाना चाहिए था, शायद वक्त ना मिला हो उसे। एंड शी इज अ वेरी मैच्योर गर्ल, आई डोंट थिंक उसको इतनी छोटी छोटी बातों पे किसी की परमिशन की ज़रूरत है। मैम, बात परमिशन की नहीं है, बात तरीके की है। You're right. Anyway, मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर आप मुझे प्लीज ला दें। श्योर, मैं अभी ला देता हूँ। थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और छत पे कॉफी लाऊंगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी। मैं इंतजार करूंगा। करते रहना। तुम इतनी सरफरी क्यों हो? मर्जी मेरी। ठेकेदार ने ना फाइनल एस्टिमेट दे दिया है और आंटी और मैं सारा सामान ले आए हैं, तो आप प्लीज बात फाइनल कर लीजिएगा। हो जाएगा ना, इतनी जल्दी क्या है? करना तो है ना, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। चलो तुम भी अब शुरू हो जाओ, औरतों को हर बात की जल्दी क्यों होती है? क्या हो गया है, परेशान है आप किसी बात से? हाँ, वही जॉब का इशू है ना। अरे, इस मसले के अलावा भी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो मुझसे हैंडल नहीं हो रहे। आप इस तरह परेशान होकर सोचेंगे तो नहीं हैंडल होंगे, आराम से सोचें। अच्छी सी चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? हर मसले का हल चाय नहीं होता। बाथरूम पर तुम 2.5 लाख रुपए लगा रही? हाँ, और फिर किचन भी ठीक करूंगी। क्या सोच रहे हैं? तुम अपने सारे पैसे इस घर पे मत लगाओ, अपने लिए सेविंग करो। एक ही बात है साहब। एक बात नहीं है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जो मैं पूछना चाहता हूँ तुम जानती हो, खुद ही बता दो। जहाँ भरोसे होते हैं वहाँ सवाल नहीं पूछे जाते।
मगर और ना ही कोई अगर मगर की गुंजाइश होती है। गुच्छन कहीं सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कोल्ड कॉफी इंतजार में ठंडी हो गई, कम से कम लाया तो हूं। बहुत कमाल किया, अपने मूड से इसका खमियाजा समझकर बनाई होगी। सॉरी के अलावा भी कोई जरूरी बात करनी है? मैं किस बात की सॉरी बोलूंगा? तो क्या मैं बोलूंगी? नहीं, बस आइंदा ऐसा ना करना। ऐसा कैसा? क्या असफर के घर जाना अगर इतना जरूरी था तो बता भी चले जाती। अपने अम्मा अब्बा को नहीं बता सकी, तुम्हें क्यों बताती? उन्हें भी बताना चाहिए था। फोन डेड हो गया था मेरा, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों ये सारी एक्सप्लेनेशंस दे रही। क्योंकि मैं नीचे सब घर में परेशान हो गए थे इसलिए। बाकी सब तो समझ रहे हैं, तुम्हें ही समझ नहीं आ रही शायद। अगर कोई बात तुम्हें तंग कर रही है तो साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते? जो मैं पूछना चाहता हूँ तुम जानती हो, खुद ही बता दो। जहाँ भरोसे होते हैं वहां सवाल नहीं पूछे जाते। हाँ, मगर और ना ही कोई अगर मगर की गुंजाइश होती है। उसकी बर्थडे बनाना इतना जरूरी था? ना होता तो ना जाती। वहां ना सहरिश थी और ना रहीम साहब। जानती हूँ, इसीलिए गई थी वहां। मतलब? कुछ बहुत पर्सनल बातें थी। आलिया, कॉफी अकेली पीनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मुझ पर? नहीं, खुद पर। मुझे लगता था कि शायद इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? आम इंसान हूँ, आम इंसानों की तरह सोचता हूँ। लेकिन मैं आम सी नहीं। जानता हूँ, और इसीलिए डरता हूँ, और इसीलिए कहा था कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। भरोसा ना हो तो कमिटमेंट भी नाकाबिले भरोसा होती है। मैंने ये भी कहा था कि तुम किसी और। और मैंने भी ये कहा था कि अगर कोई मुझे मुझ जैसा मिल गया तो कर लूंगी शादी। ये बेमानी आलिया, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है। जॉय योर कॉफी। अब कौन जवाब देगा मेरे सवालों का? अब भी गुस्सा ना हो, अब भी खौफजदा ना हो, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा यार। अनुमान जी सर, कल उतार दूंगा। नहीं, जब तक मैं ना कहूं नहीं उतारना।
I've also read somewhere कि जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता इन्हें दूसरों पर भी नहीं होता. क्योंकि मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करती बल्कि आगे का सोचती हूँ. हेलो. हेलो, हाउ आर यू सरिश? आई एम गुड. I just wanted to. Wanted to what? Thank you. For what? कल किसी वक्त घर आऊंगा तो बात करेंगे. Sure. Okay. Bye. भाई साहब, अल्लाह खैर. कब तक नजरें चुरा कर भागते रहेंगे? बैठ के मेरे साथ बात करें, क्लियर करें. ना मुझे कोई बात कर रही है ना कुछ क्लियर करना है. इंसान की सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए और वो अल्लाह की फजल से बिल्कुल साफ है. जब ही रात को उठ उठ के आंगन की टाइलें गिनते हैं, दरवाजे की कुंडियां चेक करते हैं और हर आवाज पे उठ के चौंक बैठते हैं. जब इंसान की हरकतें ऐसी हो ना तो जमीर सोने नहीं देता. अल्लाह माफ करे, पहले जायदाद पे कब्जा किया, अब बच्चों पे कब्जा कर रहे हैं. फुल बक रही हूं. किसने थानवी को कहा था कि दीपक को पिक एंड ड्रॉप करे? किसी ने नहीं कहा. थानवी के पास अपना दिमाग मौजूद है. स्कूल से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो तुम जैसी लापरवाह और उम्र रसीदा औरत के बस की बात नहीं है. एक मिनट, किसको उम्र रसीदा का? वो तो मैं जानती हूँ कि अम्मा बी ने आपकी 3 साल उम्र कम लिखवाई थी बर्थ सर्टिफिकेट में. टेलीविजन वालों को पता चल गया तो इंटरव्यू लेने आ जाएंगे. कोई नहीं, अच्छा खाया है, अच्छा पिया है, हमेशा नेक काम किए हैं, हमेशा सच बोला है, किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए हमारे चेहरे पे नूर है और दिल में सुकून है. अल्लाह का शुक्र है. तुम अपनी बात करो. हैं, बदमिजाज औरत, बदमिजाजी की वजह से शादी भी कभी नहीं हुई. ऐसी बदमिजाज औरतों के बारे में अम्मा भी कहा करती थी कि फपून लगा चार बन गई है. क्या क्या फपून? सुनते जाइएगा, आपके सारी साजिशों पे ना पानी फेर दूंगी. ना शादी करूंगी और ना अपना हक छोड़ूंगी, अपना हिस्सा लेकर आऊंगी. पपून, पपून, कुछ खाने? जहर ला दें. क्यों, क्या हो गया? दुनिया बहुत बुरी है आप पे. इतनी भी बुरी नहीं है कि बंदा जहर ही खा ले. हुआ क्या है? हैरेसमेंट. क्या कह रही हो, किसके साथ? मोना के साथ. इसलिए तो वो गायब हो गई थी, इसलिए तो. लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि उसके साथ हैरेसमेंट हुई है? बस पता चल गया. तो तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं, मगर मैं खामोश तो नहीं बैठ सकती. तानिया, कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि जिन लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होती है ना, वो घर वालों से डर के, लोगों से डर के ना प्रेशर में आ जाती हैं और फिर मुकर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं. और हमेशा बसता वही है जो ऐसे मामले के लिए स्टैंड लेता है पब्लिकली. आई मीन, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फॉर एनीथिंग, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल. ओके, पता है मुझे आप, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मोना से कॉन्टैक्ट हो जाए. असफर के बर्थडे पर क्यों गई थी आप? मुझे तो आप कहती थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है. गलत समझती थी, बुरा आदमी नहीं है, इसलिए उसके घर गई थी उससे बात करने के लिए. तो अगर मैं मोना के बारे में कुछ कहूँ तो वो गलत है? देखो, जो बात मेरे और असफर के दरमियान हुई वो पब्लिक नहीं है और ना ही कभी होगी. लेकिन मोना का मामला अगर मीडिया तक आया तो उसका नुकसान तुम्हें और मोना को होगा. पर तुम्हें ये पता है ना, तुम जो भी करोगी तुम्हारे साथ हो हमेशा. वो तो सब ठीक है, लेकिन गरारे कर लें, आवाज बिल्कुल रानी मुखर्जी वाली हो गई. पानी ले आ बेटा.
बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार। अरे भाई, ये पल भर में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। दिवाली आ रही है, नेहा का कहीं ब्याह पक्का कर दिया तुमने? अरे इसने जिंदगी में पहली बार तनख्वाह मेरे हाथ में रखी। वाकई? आय हाय, देखा ये लड़की फिर चिप्स की थैली ले उड़ी। तानिया, फौरन से पहले पहले इधर आओ, कहाँ हो तुम? लॉन को तो किसी जेल में स्टोर कीपर होना चाहिए। हेलो जी। जी सर, दिस इज तानिया का स्पीकिंग। जी जी सर, श्योर सर, श्योर श्योर सर, आई कॉल यू बैक। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह। ये पुलिस वाला काम तुम पहले कर देती ना तो कब का सुधर गया होता। शुक्र है उसको अक्ल तो आई। मीना मीना, अगर नेहा को एक्टिंग का ऑफर मिले तुमसे करने दोगी? तौबा करो जी, कभी भी नहीं। उसका अब्बा उसे भी मारेगा और मेरे को भी। ये फिल्मों वाले लोग अच्छे नहीं होते। हद हो गई है मीना, इतने सालों से हमारे घर काम कर रही हो फिर भी अकल नहीं आई। इंसान को ना मेरी तरह खुद अच्छा होना चाहिए। इनकी अच्छाइयों पर तो अखबार वाले कसीदे लिखते हैं। मीना, तुम इसकी बातों में हरगिज भी मत आना। और तुम्हें सुबह सुबह कोई और बात नहीं सूझती क्या? आठों पहर तुम फिल्म फिल्म फिल्म, खुद तो किसी काम की तुम रही नहीं हुँ? और अब इस मासूम बच्चे के पीछे पड़ गई हो। अभी बहुत छोटी है, दसवीं भी नहीं की, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे तो मैं हूं ना उसे अच्छा बुरा समझाने के लिए। अपना बस्ता तो संभलता नहीं है, अच्छा बुरा समझाएंगी है। ना बाजी, दसवीं कर ले तो उसकी शादी कर दूंगी मैं। बहुत अच्छा करोगी, बस इसी उम्र में शादी कर देनी चाहिए। एक हमारे घर वाले हैं, जब तक बाल सफेद ना हो जाए ब्याह का सोचते ही नहीं है। अम्मा, वो प्यारी बच्ची सिर्फ शादी करने और आबादी बढ़ाने के लिए दुनिया में नहीं आई है। जबान की जगह मिसाइल फिट है क्या? बदतमीज। बड़े छोटे की कोई तमीज है तुम्हें? मीना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं नेहा का ख्याल रखूंगी। बस तुम उसे रोज यहाँ ले आया करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ठीक है? जो करना अपनी जिम्मेदारी पर करना। हरीश को जानती हो ना? कंगी चोटी से फुर्सत हो जाए तो बच्चे का हाथ पकड़ लेना। आप क्या बंदूक सराहने रखकर सोती हैं? कत्लो गारत की बातें ना बच्चों के सामने नहीं करते, वरना इस्तेमाल करके दिखाती। दीपक बेटा, गाड़ी में बैठते साथ ही ना लॉक कर लेना। हाँ बेटा, दीपक जाके गाड़ी में बैठो, वापसी में हम दोनों तुम्हें जू लेकर जाएंगे। जाओ वहाँ शेरों के पिंजरे में ना अपने आप को दही लगा के लेट जाइएगा, मैं दीपक को वापस ले आऊंगी। मतलब आप साथ जाएंगी ना? शराफत से इसको स्कूल से सीधा घर लेकर आना। अच्छा, अगर आप साथ नहीं गई ना तो वहां से सीधा हॉक्स पे जाएंगे और दीपक अकेला नहाता हुआ कितना प्यारा लगेगा। वैसे आजकल हॉक्स पे का पानी काफी ऊपर आया हुआ है। बाय। भाई साहब। अल्लाह खैर। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए तो आप मेरी एक बात मानेंगे? या थानवी से मेरी जान छुड़वा दे प्लीज। मैं आइंदा जायदाद नहीं मांगूंगी, मैं लिख कर दे दूंगी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से। जो कि वाकई नहीं है, कोई एहसान नहीं करोगे तुम। मगर मगर क्या? मगर हम तुम्हारा रिश्ता तय कर चुके हैं, अब तुम जायदाद मांगो या ना मांगो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ठीक है, मैं आज ही सुहेल भाई को फोन करूंगी, तुफैल भाई को फोन करूंगी और हम सब मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे।
बहुत अच्छा है, सबको बुला लो, बहन की शादी में शरीक हो जाएंगे। कोई भाई भाई नहीं है मेरे, मैं वापस लाहौर जा रही हूँ, लाहौर जाके भी दावा कर सकती हूँ, बस बहुत हो गई। खबरदार जो घर से बाहर कदम भी रखा तुमने। ये घर है कि टॉर्चर सेल है? एक तो जबरदस्ती रिश्ता कर दिया, गाय बकरी समझा हुआ आपने मुझे। भाभी 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 क्यों टार्जन बने हुए हैं आप? इस तेज गांव को रोक कर कोई घर पे बिठा सकता है क्या? ईंट से ईंट बचा देगी इस घर की भी और हमारी भी। अरे कुछ नहीं कर सकती, बहन है मेरी छोटी। आमिली कहाँ रही है? मैं ये नहीं पहनूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनोगे, तुम्हारे तो अच्छे भी पहनेंगे। मुझ जैसे माफूम शरीफ उन्नफ आदमी को आप जुर्म की तरकीब दे रही हो, मैं नहीं पहनूंगा। तो पापा क्यों बुला रही हो? उनको पहनाओगी, अजीब से लगेंगे इतनी बड़ी वर्दी पहनकर। अभी उनसे कहूंगी कि तुमसे साइन कराए और तुम्हें चलता करे। निगाना में बनवा लिए, 100 बार दस्तखत करूंगा उस पे। यार शकील दोस्ती खातिर पहन ले, 10-15 मिनट की बात है, आई नहीं है। किसका भाई? मेरा भाई। अब पहनूंगा कफन, ये नहीं पहनता। अरे भाई ऐसे कैसे, ये तो तुम ही पहनोगे, इसको ट्रायल करवा। चलो 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 चल। कैसी लड़की हो तुम, प्यारी तस्वीर है ना। मैं तुमने कहाँ से ढूंढ ली, ये तो खो गई थी, मैंने इतना ढूंढी मुझे तो मिली नहीं। आप ही के कपड़ों में लिपटी रखी थी, धूप लगाने के लिए निकाले तो ये मिल गई। ये तुम तो क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, अगर बुरा वक्त आ गया तो छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अब देखो अब तुम मेरा सहारा बन गई हो आंटी, अब बुरा वक्त नहीं आएगा। हाँ घर कैसे बदल दिया तुमने सारा का सारा, मुझे पता है तुम मेरे बेटे की तकदीर भी बदल दोगी। बहुत ताकत और सब्र दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने। सैफ बहुत मेहनत करते हैं, वो अपनी तकदीर खुद बदल लेंगे। कुछ हुआ आंटी? नहीं हुआ तो नहीं, बस होने वाला है, बस दिल घबरा रहा है बहुत। सैफ भी बहुत परेशान है, तुम पूछो ना सैफ से। पूछ लूँगी, मैं अभी अम्मा अब्बा के यहाँ जा रही हूँ, तो वापसी पर सैफ मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, चाय लेकर आई तुम्हारे घर। मेरे लिए? थैंक यू। आए बैठे ना। अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। कहाँ गई थी ये तस्वीर? ये कोहाट गए थे एक दफा, वहां की तस्वीर। वाओ हाँ साम्या। सैफ वो मैं अब्बा को मिलने जा रही हूँ, आप ऑफिस की वापसी पर मुझे पिक कर लेंगे? मेरा काम बहुत ज्यादा है, काम खत्म होगा तो शायद मैं आ जाऊं। ओके हाफिज। कहीं सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे।